नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। ओके स्टूडेंट, देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करता है आपका कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, इन दो क्वेश्चंस में दो पार्ट दे रखे आपके क्वेश्चन नंबर 2 के, इसमें आपने करेक्ट आंसर चूज करना है और जस्टिफाई करना है आपने अपने आंसर को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, आपको देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। 30th टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4 एंड सो ऑन इज क्या होगी बच्चे। ठीक है, आपने बताना है कि 30th टर्म जो है इस एपी की क्या होगी। ठीक है बच्चे, कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए बच्चे, देखो यहां पर क्या बच्चे, फर्स्ट टर्म क्या है, हियर फर्स्ट टर्म इज 10, सेकंड टर्म कितनी बची आपकी 7 एंड थर्ड टर्म इज 4। ये बच्चे यहां से बच्चे आपको पता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एपी, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका, d इज गिवन होगा है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल्स टू 7 माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 3। कोई डाउट नहीं बच्चे, है ना। अब आपके बच्चे इजी नहीं हो गया आपको 30 टर्म फाइंड आउट करनी है। 30 टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं आप बच्चे, a 30 इज गिवन अप बाय a प्लस 30 माइनस 1 इनटू d दैट इज इक्वल्स टू a कितना बच्चे आपका, a इज 10 यानी फर्स्ट टर्म इज 10, ये हो जाएगा हमारा 29 और d इज यानी कॉमन डिफरेंस इज 3। ठीक है बच्चे, अब उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा आपका ये माइनस 87, तो ये आपका आंसर है माइनस 77। ठीक है, अब देख लीजिए बच्चे कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपका माइनस 77 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 2 के 11th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है जबकि एपी क्या आपको इस फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज हियर, फर्स्ट टर्म इज माइनस 3, सेकंड टर्म आपको दे रखी है बच्चे माइनस 1 बाय 2 एंड थर्ड टर्म इज गिवन टू यू। ठीक है बच्चे, बात करोगे। अब आपको बच्चे आपको पता है कि ए बी की फॉर्म में है, तो आप कॉमन डिफरेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन अप बाय सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, आपके लिखिए बच्चे सेकंड टर्म इज माइनस 1 अपॉन बाय 2 माइनस माइनस 3, फर्स्ट टर्म इज माइनस 3। ओके स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, आप उसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा आंसर आपका, ये हो जाएगा प्लस 3, एलसीएम लीजिए इसका क्या आएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 5 अपॉन बाय 2। बच्चे तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5 अपॉन बाय 2 आ गया, और फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी बच्चे माइनस 3 है, कोई डाउट नहीं आता। अब आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द 11th टर्म। तो 11th टर्म कैसे करेंगे, a 11 इज गिवन अप बाय a प्लस 10d, मतलब बच्चे आपको पता है। ओके, अब जो फर्स्ट टर्म है दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस में 10 मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में 2 बिकॉज d इज 5 अपॉन में 2। ओके, 2 वन्स आर 2, 2 फाइव्स आर 10। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा 3 माइनस 3 प्लस में 25, द आंसर विल बी 22। ठीक है, यानी कि जो 11 टर्म होगी दैट विल बी 22, और ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बच्चे आपका, इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई, तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, एक्सरसाइज 5.2 की। ठीक है बच्चे, तो अगर आपको डाउट लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं किसी वीडियो में। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट जय हिंद, टेक केयर।